हाँ अब बोलिए क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप। हाँ इलेवन शीट भेजी वो खोलिए ना, तो उसमें थोड़ा डाउट है। मैंने जो शीट भेजी उसमें डाउट है। नहीं उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो मैं अभी कराता हूँ। उसके अलावा कुछ और पूछा जा रहा था ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, पूंजी की निकासी और ड्राइंग्स के ऊपर कुछ डिफरेंस पूछा जा रहा था। सर उसपे किसी ने कुछ पूछा था, मैं समझ नहीं पाया वो क्वेश्चन क्या था। सर, तो कैपिटल विड्रॉ अगर रहता है ड्राइंग से, फिर इसको ड्राइंग्स में अभी क्यों पढ़ रहा है सर, साथ में क्यों पढ़ रहा है सर अभी कैपिटल विड्रॉ को? नहीं कैपिटल विड्रॉ तो पढ़ लिया अपन ने, कैपिटल विड्रॉ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लगाते हैं तो उसमें कैपिटल विड्रॉ देखते हैं। जब हम पूंजी पर अभी ब्याज आपने लगाएंगे। सर हाँ शीट में लिख के भेजा ना सर आपने कि नहीं वो मैंने पूंजी, डिफरेंस समझाया, उतना डिटेल में डिफरेंस मैंने पहले शीट में नहीं दिया था। मैंने दोनों का जो अंतर है और जो दोनों का फर्क है वो मैंने पहले देने से रह गया है। जो भी था मुझे लगा कि मैं उस डिफरेंस को अभी आपको और थोड़ा सा उसको समझाऊं विस्तार से कि कैपिटल विड्रॉन और आहरण पे दोनों में क्या फर्क है, इसलिए बोल रहा सर हूँ। ठीक है अब आप लोग क्वेश्चन जो मैंने शीट भेजी है मैं उस पर आ रहा हूँ, जो डिस्कस कर लिया था, और अब हम आगे उसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है लेट अस सी दैट, वो हम देखते हैं। ओके अब हम ये देखते हैं। मैंने ये आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं आज। ये क्वेश्चंस तो है जो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद ट्राई करेंगे पहले, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आप खुद ट्राई करेंगे। मैं जिनकी अभी बात करने जा रहा हूँ, आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा क्वेश्चन था मुझे बताइए। स्टार्टिंग के फर्स्ट भेजे थे नहीं जो कल जो शीट भेजी थी वो, कि आज जो भेजी सुबह उसके अंदर। ना वाली शीट के, कल वाली शीट के। ओके कल वाली शीट के कोई क्वेश्चन है? ठीक है ये रही कल वाली शीट, इसमें बताइए क्या था, कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछना चाह रहे हैं कल वाली शीट में। सर नहीं कल आपने इसको सेंड किया था क्या? तो मेरी सारी शीट सर स्कैन रहती हैं। आपने ये सीट सेंड किया है ग्रुप में? अभी मैंने जो आज भेजी है उसके अंदर मैंने कुछ और चीजें डाल के एक ही कर दी, वो पहले जो भेजी थी कल उसको आप डिलीट कर दीजिए। सर डिलीट कर दिया उसको। आज वाली ले लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा। आज वाली में मैंने कुछ क्वेश्चंस और दिए, उसमें एक दो पॉइंट और ऐड किए। ओके सर अब मुझे बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्वेश्चन क्या है। अभी पूछ पूछ क्या रहे हैं, इस सीट में क्या पूछना क्या है। आवाज थोड़ा डाउट है फ्लैग वो आप मैं चैट में डाल दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या कोई दूसरा समझ पा रहा है तो मुझे बताया वो क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ डाउट है। इसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं क्या, इसमें तो क्वेश्चन तो है ही नहीं इसके अंदर। सर, आपने करने के लिए दिया नहीं तो मैं भी सोचूं कहां से आपने वर्कशीट भेज दी। हाँ मतलब मैंने सेकंड क्वेश्चन तो दिया कब है, मैंने इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अरे इसमें दो क्वेश्चन हैं है, दो क्वेश्चन है पेज सर। पेज नंबर बताएं, क्वेश्चन है इसमें। यस सर है, यस सर दो क्वेश्चन मैं देखिए ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, रेगुलर ड्राइंग्स इरेगुलर ड्राइंग्स, ये तो मैंने इसमें सब समझाया है। सो मतलब जो समझाया उसी के पूछ रहे हैं क्या, कि मैंने कोई क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है क्या। 12 क्वेश्चन है सर उसमें, अच्छा सॉल्व क्वेश्चन उदाहरण एग्जाम्पल लिए होंगे होगा, सर। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो कौन सा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कौन सा है वो, पेज नंबर कुछ बता सकते हैं कि किस पेज सर पर और नीचे करते दें।
हाँ एक सेकंड इसको बंद करना पड़ेगा, और नीचे आऊंगा ना ऐसे रो नीचे भी। हाँ बोलिए, नीचे कौन सा? ये शॉर्टकट विधि से जो किया नो सर, स्टार्टिंग में जब आपके हिसाब दिखा था वो क्वेश्चन तीन या चार पेज पर। अच्छा तीन या चार पेज पर भाई, तीन पेज ये हुआ, चार पेज पे तो डिफरेंस है सर, छह सात पेज पे है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है क्या प्रकार? अच्छा ये वाले होंगे। यस सर। हाँ ये सर। अच्छा ये दो क्वेश्चंस हैं। अच्छा ठीक है चलिए ठीक है। प्रकाश और निश्चय एक फर्म में क्रमशः 3 लाख और 4 लाख की पूंजी के साथ साझेदार है। 6 महीने बाद उन्होंने आपस में समझौता किया कि दोनों साझेदारों की पूंजी 3.5 लाख हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बराबर कर रहे हैं पूंजी। चलो कर दिया उन्होंने, फिर क्या करना है अपने को? पूंजी को बराबर करने के लिए आवश्यक राशि या नगद निवेश, आवश्यक राशि का नगद निवेश या निकासी करेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की कैपिटल और निश्चय प्रकाश की कैपिटल 3 लाख है और निश्चय की कैपिटल 4 लाख। दोनों ने अपनी कैपिटल को 3.5 3.5 कर दिया 6 महीने बाद। अब क्या करना पड़ेगा? वो प्रकाश को 50,000 रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, प्लस जोड़ना पड़ेगा, इन्वेस्ट करेगा और लगाएगा फर्म के अंदर। और निश्चय क्या करेगा? 50,000 निकालेगा, ये विड्रॉ करेगा, आरण करेगा। पूंजी को बराबर करने के लिए निश्चय को 50,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि साझेदार अपनी पूंजी को बराबर करने के लिए कितनी निकासी और निवेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश को 50,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा और निश्चय को 50,000 रुपए की निकासी करनी पड़ेगी, पूंजी में से पूंजी की निकासी करनी पड़ेगी, है ना। कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी निश्चय को, और प्रकाश को 50,000 की एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ेगी। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साझेदार द्वारा निकासी की गई राशि को पूंजी की निकासी कहेंगे या आरंभ? ये जो 50,000 रुपए निश्चय निकाल रहा है इसको क्या कहेंगे? इसको ड्रॉइंग कहेंगे कि इसको पूंजी की निकासी कहेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल निकाल रहा है, ड्रॉइंग्स नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि आपको कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स का डिफरेंस समझना है, ठीक है। कैपिटल निकाल लिए, ड्रॉइंग्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये ड्रॉइंग्स नहीं है, मैंने काट देता हूँ, ड्रॉइंग मत समझिए, ड्रॉइंग नहीं है, कैपिटल निकालिए, पूंजी की निकासी कहेंगे कैपिटल। स्थिर पूंजी पद्धति में निकासी की गई राशि का लेखा कहाँ और कैसे होगा? ये जो 50,000 रुपए निकाले गए हैं निश्चय द्वारा, इनकी इस 50 की बात नहीं बोली, जो प्रकाश लगाएगा, जो निश्चय निकालेगा, ये स्थायी पूंजी, स्थिर पूंजी पद्धति में किस खाते में आएगा और कहाँ होगा? तो ये पूंजी खाते के नाम पक्ष में इसका लेखा किया जाएगा, टू बैंक या टू सर, ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नो सर, और बता दीजिए क्या चीज? बा नंबर का ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो पार्टनर्स हैं प्रकाश और निश्चय। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मेरे पास और स्पेस हो जाएगी, जगह थोड़ी सी हो जाएगी, मैं इसको दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए, ब नंबर में प्रकाश और निश्चय जो है वो दो साझेदार हैं। प्रकाश की कैपिटल जो है 3 लाख दे रखी है, प्रकाश की पूंजी 3 लाख है और निश्चय की पूंजी 4 लाख। अब उन्होंने कहा दोनों की 4.5 हो जाए, 3.5 हो जाएगी, तो इसकी भी 3.5 करनी है, प्रकाश की और निश्चय की भी 3.5 करनी है, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताइए कि निश्चय को 3.5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50,000 रुपए लगाएगा कि निकालेगा?
निकालेगा सर, निकालेगा। तो जो 50,000 रुपए वो निकाल रहा है फर्म से पूंजी को बराबर करने के लिए, इसका इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे, आहरण बोलेंगे, कि इसको पूंजी की निकासी बोलेंगे, कैपिटल विड्रॉ बोलेंगे, पूंजी की निकासी। हाँ, पूंजी की निकासी, बस तो यही पूछा है इसके अंदर, इसको क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे निश्चय यहाँ पर जो 50,000 रुपए निकाल रहा है इसको हम पूंजी की निकासी कहेंगे। ये आहरण नहीं है, ये पूंजी की निकासी है। यस सर, आ गए। ये पूछा। और अब फिर थर्ड क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि जो 50,000 रुपए निकाला इसका कहाँ लिखा होगा? स्थिर पूंजी पद्धति खाता पर। तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, टू कैश या टू बैंक। सर, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कैपिटल विड्रॉ करना पड़ता है। कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, और ये अग्रीमेंट करते हैं आपस में, वो लोग समझौता करके करते हैं। ऐसा नहीं कि तो कैपिटल को, जब आप बिजनेस में पार्टनर बनते हैं किसी फर्म में, तो आप बनते किस लिए हैं? भाई पैसा लगाएंगे, काम करेंगे, इसीलिए तो बनते हैं। तो कैपिटल तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, कैपिटल के लिए तो पार्टनर बनता है। वो कैपिटल आप अपने मन से ऐसे नहीं बदल सकते, सबसे एग्रीमेंट करके बदलना है। खर्चे पाने के लिए आदमी को पैसे तो चाहिए ना, है ना? खर्चे पाने के लिए तो पैसा चाहिए, जिएगा कैसे इंसान? ठीक है, तो वो चाहिए, लेकिन कैपिटल थोड़ी आप निकाल सकते हैं। कैपिटल के लिए तो आपको पार्टनर बनाए। आप देखते हैं दो पार्टनर्स है, छगन और निर्मला। इन दोनों के पार्टनर्स की, छगन की कैपिटल 1,50,000 रुपए है और निर्मला की कैपिटल 2,50,000 रुपए। 3 महीने बाद छगन ने 50,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई और 8 महीने बाद निर्मला ने फर्म से 20,000 रुपए अपनी पूंजी कम कर दी। निर्मला ने 20,000 रुपए निकाल ली 8 महीने बाद और 3 महीने बाद 50,000 रुपए छगन ने लगाए। ठीक है शिवानी, ठीक है बेटा, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा अपना उसका आंखों का ध्यान रखिए। छगन प्रतिमा, छगन जो है हर महीने अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए फर्म से 500 रुपए का निष्कासन करता है। ये छगन अपने फर्म से 500 रुपए खर्चे के लिए निकालता है। निर्मला अपने व्यय के लिए प्रति 3 माह में 1,000 रुपए निकालती, 3-3 महीने से 1,000 निकालती। अब आपको पूछा गया है क्या इस फर्म में किसी साझेदार ने पूंजी का निष्कासन किया? नहीं, नहीं किया सर। क्या है सर? ये निर्मला ने जो 8 महीने बाद पूंजी से निकाली है ना 20,000 रुपए कम किए, इसको हम ड्रॉइंग्स कहेंगे कि कैपिटल विड्रॉन कहेंगे? कैपिटल विड्रॉन। ये कैपिटल विड्रॉन निर्मला ने किया है? अगर हाँ तो किसने कितना? तो आप यहाँ बताएंगे कि निर्मला ने 20,000 रुपए का पूंजी से निष्कासन किया है, या पूंजी का निष्कासन किया, कैपिटल विड्रॉन किया। ये तो इस फर्म में साझेदारों द्वारा क्या आहरण किया गया है? यदि हाँ तो किसने और कितना आहरण? आप ड्रॉइंग्स के बारे में पूछा है, सर किया है, किया है छगन और निर्मला दोनों ने। छगन ने 6,000 और निर्मला ने 3,000 नहीं 4,000। तो आपको यहाँ लिखना है कि छगन ने 6,000 रुपए निकाले 500 रुपए महीने के हिसाब से, और निर्मला ने 3 महीने से निकाल रहे हैं। तो 3 महीने मतलब 3-3 महीने 4 बार, तो 4,000 रुपए निर्मला ने निकाले। निर्मला द्वारा निकाली गई 20,000 की राशि का आहरण का ब्याज लगेगा, या राशि को पूंजी के इस राशि को पूंजी पर ब्याज के निकालने में ध्यान में रखा जाएगा? पूंजी को जब पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो उस समय हमें इस 20,000 को देखना, उस समय देखना है कब, जब पूंजी को पूंजी पर ब्याज को निकालेंगे। जब ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो जब 20,000 रुपए पूंजी से निकाल रहे उसको नहीं देखना आपने। तो ड्रॉइंग्स पे जब आपसे इस क्वेश्चन में बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस 500 रुपए महीने और 1,000 रुपए तिमाही इंटू 4, ये 4,000 इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा इंटू 12 और इस 6,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये 6,000 और 4,000 पे लगेगा आईओडी, ये 20,000 पे आईओडी नहीं लगेगा। आरण का ब्याज किस राशि और किस साझेदार के लिए निकाला जाएगा? तो आरण का ब्याज दोनों साझेदारों के लिए निकाला जाएगा। कितने पे निकालेंगे? निर्मला का आहरण पर ब्याज 4,000 में निकालेंगे और छगन का आहरण पर ब्याज 6,000। बस ये आंसर लिखना। सर वहाँ पे इंटरेस्ट का परसेंट नहीं लिखा है। तो आपका इंटरेस्ट निकालना कहाँ है? क्वेश्चन में कहाँ कहा है कि इंटरेस्ट निकालो? इंटरेस्ट बोला किस राशि पर निकालेंगे, आपको इंटरेस्ट निकालने को नहीं बोला है, तो परसेंटेज चाहिए क्यों आपको?
आपको तो बोला किस पे निकालेंगे तो आप बता दो, 6000 और 4000 निकालेंगे। यस सर। आपको जब निकालने को बोलेंगे तब परसेंट चाहिए, अभी क्यों चाहिए परसेंटेज? ठीक है। यस सर। और कोई क्वेश्चन है इस शीट का, ये बताइए, फिर शीट को मैं बंद करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इन चीजों को आप करेंगे। अच्छा, ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं, नियमित आरण। सर, कैपिटल विड्रॉन में इंटरेस्ट नहीं लगता? कैपिटल विड्रॉन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट है उसमें हम देखेंगे उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा उस नहीं लगेगा, उसके ऊपर लगेगा कैपिटल का इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। अब मैं आ रहा हूं जो मैंने आपको दूसरी शीट आज भेजी है उसकी हम बात करते हैं। और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो पूछिए मेरे से। सर, जो सेकंड वाली शीट है उसका ऑब्जेक्ट 3 सर, और तो कर ली सेकंड वाली शीट का ऑब्जेक्टिव 3। ठीक है, अभी वो एक शिवानी को आंखों में दर्द हो रहा था, वो बोली कि सर मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा क्लास लीव करूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग भाई थोड़ा सा इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग। ठीक है, ये सब चीजों का अब ये जो है अब इस चीज से बचना बड़ा मुश्किल है, मतलब हम कैसे बचेंगे मैं नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और आंखों का और अपना सेहत का ध्यान रखिए इस समय, तो ठीक रहेगा। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि हम उसको कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, आंख धोने का, आंख धोइए और बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये जो है ये शीट मैंने आपको भेजी थी आज सुबह, और इसका आज सुबह सुबह जो है आपने टिया पाचा कर दिया है और आप बता रहे हो कि थर्ड क्वेश्चन बता दो, मतलब आपने भेजा और मैंने आपने सॉल्व करना चालू कर दिया इसको। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, अनुराग एक साझेदार है, और साझेदार है ठीक है, तो क्या करना अपने को, कुछ नहीं करना, एक सेकंड। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? एक सेकंड। सर, इसमें हमें भी डाउट है। हाँ, क्या चीज? थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी डाउट था, अदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके 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 ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी डाउट है और थर्ड में भी डाउट है, यही कह रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। गीता एक पार्टनर है, अपने पर्सनल खर्चों के लिए वो निकाल दिया, जहां पे भी ये वर्ड आ जाए, ये शब्द ये आ जाए ऐसा, पर्सनल खर्चे व्यक्तिगत में, तो मतलब वो ड्रॉइंग है, सीधी सी बात, वो कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं, वो तो ड्रॉइंग ही है। उसने 2500 रुपए महीने के आखिर में निकालते, लास्ट डे। अब हम कैसे, एक शॉर्टकट एवरेज कैसे निकालेंगे, महीने के आखिरी का क्या फॉर्मूला, पहली ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 11 महीने का, आखिरी ड्राइंग पे कितने महीने लगेगा, शून्य, जीरो, तो 5.5। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर है वो सी है, जब महीने के आखिरी में निकालेंगे तो 11 महीने का इंटरेस्ट और 0 महीने का इंटरेस्ट, आखिरी मैंने क्या आखिरी है, तो साल के आखिरी में निकाला तो 0, 11 + 0, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 बनेगा। अनुराग एक साझेदार की तरह फर्म से अपने व्यक्ति खर्चों के लिए प्रत्येक तिमाही पर, प्रत्येक 3-3 महीने से फर्म से 4500 रुपए निष्कासित करता है। अनुराग के इंग्लिश वाला ऊपर कर दीजिए। अब ये क्या हो रहा है कि वो हर 3 महीने से कर रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस। अच्छा, बिगनिंग, अच्छा, फर्म से प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में। अब तिमाही तो मैंने आपको बताया था, ये साल में 4 तिमाही होती है। यस सर। 3-3 महीने से 4 बार आएगा, 3 महीना इधर, 1 तिमाही ये हुआ, इसको हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, इसको दूसरा क्वार्टर, दूसरी तिमाही, इसको तीसरी तिमाही और इसकी चौथी तिमाही, ये 4 क्वार्टर है। तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है, तिमाही के प्रारंभ में, तो वो उसकी जो ड्रॉइंग है वो एक तो यहाँ पे, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, यहां से यहां तक 3 महीने, यहां से यहां तक
यहाँ से यहाँ तक 9 महीने और यहाँ से यहाँ तक 12। तो पहली ड्राइंग का कितने महीने और आखिरी का कितने महीने? 12। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 15, 7.5 महीने इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है, अच्छा इसके अंदर मैंने विकल्प उल्टे दिए, इसके अंदर अलग दे दिए, ठीक है। अब जो भी है आप लिख दीजिए, ए जो है 7.5 महीने और इसके हिसाब से द जो है वो 7.5 महीने, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हो जाएगा। और कोई प्रश्न है किसी का यहाँ पे तो पूछिए मेरे से। अच्छा एक सेकंड बंद हो गया। और कोई प्रश्न किसी का? ये हो गया अभी ऑब्जेक्टिव खोले थे वो खोली ना जिसमें फॉर्मूले बताए थे एवरेज पीरियड निकालने के। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। ये वाला ये मैंने कल आपको जो बताया था वो वाला आप कर ये कर, ठीक है। ये तो अब ये शीट के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे उसको निकालना। अगर हम हर महीने के प्रारंभ में निकालते हर महीने के, तो पहली ड्राइंग पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा शॉर्टकट विधि से निकालने का। और आपको मिडिल वाला समझ नहीं आया? हाँ मिडिल में कैसे निकालेंगे एवरी मंथ? अच्छा मिडिल का देखते हैं, अब मिडिल का देखते हैं। अगर महीने के या तिमाही के मिडिल में मध्य में है तो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। अब इसको आप देखिए ध्यान से, ये मेरा अकाउंटिंग एक मेरा डेट शीट मिडिल में है, मतलब 15th डेट में या फिर मंथ में मिडिल। हर महीने के 15 या 16 ले लीजिए, 15 16 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मिडिल में मतलब वही 15 या 16 तारीख को। मिडिल का मतलब है हर महीने की 15 या 16 तारीख, अब दोनों में से कोई भी हो सकती है और उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं और ये एक तिमाही आ गई और ये एक तिमाही आ गई, अब ये आ गया 3। अब मैं इसके अंदर कर लेता हूँ हर एक एक महीने के हिसाब से, 1 2 ये 3 महीने इधर, 3 महीने इधर, 3 महीने इधर और ये 3 महीने। अब ये हो गया आपका। अब आपसे कहा जा रहा है कि महीने का मध्य देखते हैं, मंथ का मिड, हर महीने का मध्य। तो अगर हर महीने के मध्य में है तो ये इधर आएगा, यहाँ ड्रॉइंग आएगी इधर, मतलब इधर नहीं सॉरी, हर महीने का मध्य है तो इधर इधर इधर, ये महीने का मध्य यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो 15 दिसंबर से लेकर या 15 मार्च से लेकर 31 दिसंबर या 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? 15 दिन। तो मैं इसको आधा महीना कह सकता हूँ, आधा महीना। अगर दिसंबर या मार्च का आधा महीना है और इंटरेस्ट, तो मैं इसको आधा, एक महीने को एक है तो आधा महीना 0.5 हो गया। ऐसे में निकालता हूं तो इसके ऊपर 11.5 महीने का, इस पे 10.5 महीने का, इस पे 9.5 महीने का, इस पे 8.5, 4.5, 3.5, 1.5 और 1.5। आप देख लो इसको, आप अपनी कॉपी में अगर बनाओ ऐसे डेट लाइन जो मैंने बनाई है और आप उसके हिसाब से काउंट करो, तो यहां से यहां तक 11.5 महीने होते हैं, यहां से यहां तक 10.5 महीने होते हैं, यहां से यहां तक 9.5, ऐसे होगा, आप खुद चेक कर सकते। तो पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट? पहली ड्राइंग पे 11.5। आखिरी ड्राइंग पे कितना? आधा महीना। कितना हो गया? 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये हो गया हर महीने के मध्य में, हर महीने के मध्य 15 या 16 तारीख, जैसे मई के मिडिल में दिया है। हाँ तो देखो ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के मध्य में लेगा ना, तो मई के मध्य में 7.5 महीने का लगेगा इंटरेस्ट। हम अप्रैल मई जून लेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा, 9.5 हो जाएंगे, लेकिन ये 7.5 महीने का लगेगा इंटरेस्ट। और अगर मैं इसको अप्रैल मई बना देता हूँ,
अप्रैल मई जून जुलाई, तो अप्रैल के मध्य में, मई के मध्य में, तो 10.5 महीने का लगेगा। तो अकाउंटिंग ईयर पे डिपेंड करेगा कि अकाउंटिंग ईयर क्या है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मई बोला है, मिड ऑफ मई, तो मिड ऑफ मई मतलब वो तो पूरे सारे सभी महीनों में रहेगा, एक महीने का थोड़ी बोलेंगे, वो तो पूरे साल भर अपन ऐसे निकालते, तो ये 6 महीने का हो जाएगा। अब एक दूसरी कहानी हो सकती है कि हर 3-3 महीने के मध्य में निकाल रहे हैं। अच्छा साहब, 3 महीने के मध्य में, तो ये हटा दीजिए एक बार, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, इसको दोबारा लगाना रहेगा, एक बार ही हटा दो, जैसे साफ आप बिल्कुल स्ट्रेट, हर 3 महीने के मध्य, जो 3 महीने का मध्य आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ, हर 3 महीने। तो अगर मैं अब यहाँ पे महीना काउंट करूंगा, तो यहां से यहां तक ये 10.5 महीने होते हैं, ऐसे 10.5, ये 9, देखिए 3 महीना तो ये, और 3 और 3 6 और 3 9 10 9 महीने तो ये हो गया, और 1 महीना ये 10 और आधा महीना और, तो यहां से यहां तक 10.5 महीने होते हैं। क्लियर दिख रहा है, यहां से यहां तक कितने, 3 और 3 6 और 7 और 7.5 महीने ये होते हैं, यहां पे कितने होंगे 4.5 महीने, यहाँ कितने हो जाएंगे 1.5 महीने। तो अगर आपसे बोला जाए कि हर क्वार्टर के मध्य में, हर तिमाही के मध्य में निकाला है, और आप उसका अनुमान लगाइए, तो उसका कितना शॉर्टकट, तो 10.5 और 1.5, कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने। तो चाहे हर महीने के मध्य में निकालिए, चाहे हर क्वार्टर के तिमाही के मध्य में निकालिए, तो वो तो दोनों केस में 6 महीने का, दोनों स्थितियों में 6 महीने का ही ब्याज लगेगा, शॉर्टकट पद्धति से, शॉर्टकट तरीके से 6 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये यहाँ पे यही दिखाया है, जब धन को हर माह के मध्य में आहरित किया जाता है, तो 11.5 + 1.5 + 1/2 फिर 6, 11.5 + 1/2 ऐसे। किसी को कोई शक है, डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। और मैंने तो आपसे कहा है कि याद रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका यह है कि आप मंथ को मिड मान लीजिए, महीने के मध्य में है तो उसको 6 मानिए मिड, और एक महीने महीने को 1 मानिए। तो जब महीने के बीच में निकाल रहे हैं तो 6, तो महीने के शुरू में निकालेंगे मतलब 15 दिन पहले निकालेंगे, तो इसमें 15 दिन और जोड़ दीजिए, मतलब 0.6 हो जाएगा, 6.5। महीने के आखिर में निकाल रहे हैं तो 15 दिन बाद निकाल रहे हैं, तो इसमें आधा महीना 15 दिन घटा दीजिए, मतलब 5.5, तो ये हो जाएगा 5.5, बस हो गया। और क्या, मिड है 6, बिगिनिंग है 6.5, एंड है 5.5, आधे महीना मतलब 0.5 + 0.5-, सीधा से गणित। इसी ढंग से अगर 3 महीने हैं, 3 महीने का भी देख लीजिए, 3 महीने में तो 3 3 आएगा ना, तो ये 6, और तिमाही में पहले, तो इसमें 1.5 जोड़ना पड़ेगा आपको, 7.5, आधा 1.5 महीना पहले, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उस शीट के अंदर। यस सर, ये अगर मैं यहाँ पर मिड में निकाल रहा हूँ, हर महीने के मिड में निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा 6 महीना आ रहा है। लेकिन अगर मैं तिमाही के प्रत्येक क्वार्टर, अगर ये क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेंगे या इस डेट के बजाय मैं यहाँ निकालूंगा, तो 1.5 महीना पहले निकाल रहा हूँ ना, 1.5 महीना पहले, 1 और 1.5, तो इसके अंदर 1.5 + कर दीजिए, तो ये 7.5 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा सीधा, और कुछ करना ही नहीं। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मध्य में नहीं निकाल रहा हूँ, क्वार्टर के एंड में निकाल रहा हूँ, तो 1.5 महीने बाद निकाल रहा हूँ, तो इसके अंदर 1.5 महीना 6 में से 1.5 महीना माइनस कर दीजिए, तो 4.5 आ जाएगा। तो ये याद ऐसे भी रखा जा सकता है, तो बड़ा सिंपल है, मंथली है और क्वार्टरली, तिमाही से, बिगनिंग शुरुआत में, मिडिल मध्य में, और अंत में एंड में। तो मिडिल तो 6 और 6,
मंथ के बिगिनिंग मतलब 15 दिन पहले, 15 दिन मतलब आधा महीना, आधा महीना मतलब 0.5 प्लस, आधा महीना जोड़ देंगे, आधा महीना जोड़ देंगे, आधा महीने के मतलब अंत में, मतलब आधा महीना बाद में, 15 तारीख पहले आती है, 30 तारीख बाद में आती है ना, 15 को ही निकाल लिया तो आधा महीने पहले तो 6, और 30 को निकाला तो 15 दिन बाद निकाला तो 15 दिन मतलब 0.6, 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया। क्वार्टरली है 3-3 महीने से, तो क्वार्टर के बिगिनिंग मतलब 1.5 महीना पहले 7.5, क्वार्टर के एंड मतलब 1.5 महीना बाद 4.5, बस इतना याद रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वार्टर है तो 1.5 महीना प्लस माइनस, 1.5 महीना जोड़ेंगे घटाएंगे, और महीना है तो 0.5 आधा महीना जोड़ेंगे घटाएंगे, इस हिसाब से आ जाएगा। तो ये हमारा जो था ये फॉर्मूला। बोलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया है और आप कुछ पूछना चाह रहा हूँ? सर 4 वाला क्वेश्चन, ये शीट के अंदर कोई डिस्कस करना है जो मुझे फॉर्मूले के बारे में पूछा गया था उसकी बात करो, फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ पूछना सर, नहीं आया। हाँ सही समझ में नहीं आया सर, ये जो अभी शॉर्टकट तब बताया ये समझ में नहीं आया। यस सर। ओके, देखिए ऐसा है, ये अब मैंने तो कुछ को स्क्रीन में एक साथ दिखाने के लिए कोशिश की, दो स्क्रीन दो पेज में जा रहा है ना, यहाँ पर भाई ऐसा है कि अगर मैं हर महीने की 1 तारीख को निकालता हूँ, हर महीने की 1 तारीख, तो 2000 रुपए पे 1 तारीख को निकाला तो 12 महीने का ब्याज मैं अलग से लगाऊं, फिर 1 तारीख को दूसरे महीने मतलब अप्रैल से मार्च का महीना है तो मई की 1 तारीख को निकाला 2000 पे, तो उस पर 10 का ब्याज लगाऊं फिर लगाऊं, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका कि फॉर्मूला उसका, बस आप ध्यान रखिए फॉर्मूला उसका ये है कि जो पहली आप ड्राइंग करेंगे उसके ऊपर कितने महीने का लग रहा है और जो आखिरी ड्राइंग करेंगे उस पर कितने महीने का लग रहा है, बस आखिरी पे, तो 12 पहली ड्राइंग पर और आखिरी ड्राइंग पर 1, इसको दोनों को जोड़कर एवरेज औसत निकाल लो इसका, और जो औसत आएगा उस औसत के हिसाब से पूरी की पूरी 24,000 पर 6.5 महीने का अगर तुम ड्राइंग लगा इंटरेस्ट लगा दोगे तो इतने लंबा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा ब्याज एकदम तुरंत आ जाएगा, कम टाइम में आ जाएगा, हम जल्दी निकाल लेंगे, हमें मालूम है 2000 रुपए महीने निकाल रहा है तो कुल कितने निकाले, 2000 × 12 = 24,000 रुपए निकाले उसे, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 6%, बस इसके ऊपर 6.5 महीने का ब्याज लगा दो, आपका आहरण पर ब्याज आ जाएगा, तो इतना लंबा टेबल बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना करेगा। तो ऐसा कब करना है, जब नियमित ड्राइंग हो, हर महीने हर तिमाही से निकालता है, चाहे शुरुआत में निकाले चाहे अंत में निकाले चाहे मध्य में निकाले, लेकिन वो पूरे साल एक जैसा निकाल रहा है, अमाउंट सेम होना चाहिए, अमाउंट नहीं बदलना चाहिए, और अगर मध्य में निकाल रहा है तो पूरे साल मध्य में निकाले, प्रारंभ में निकाल रहा है तो पूरे साल प्रारंभ में निकाले, अंत में निकाल रहा है तो पूरे साल अंत में निकाले, तब उससे हम क्या करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका अपनाकर हम जल्दी निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन प्राइम, हमको कम टाइम में निकाल सकते हैं, फिर ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, तो ये मेथड सिर्फ इस चीज की बात करता है, ठीक है। हमको शॉर्टकट तरीका कब अपनाना है, जब एक रेगुलर ड्राइंग, और हम चाहे प्रोडक्ट मेथड से उन चीजों को कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी करते हैं तो भी हमें टाइम लग रहा है, हर चीज का प्रोडक्ट निकालो तो शॉर्टकट ले लो। शॉर्टकट तरीका क्या है, ये 12 पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग 1, बस 12 और 1 को जोड़ दो, ये शॉर्टकट हो गया 6.5, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, वो मैंने कितना लंबा लंबा काम हो गया, यहाँ पे ये इतना ड्राइंग करने के लिए इतनी लंबी टेबल ये बनाई, इतनी लंबी टेबल प्रोडक्ट मेथड बनाई, और अगर ये शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं तो हमारा काम बस इतने में हो गया, ये निकाल लिया गया बस खत्म, इतने में ही हो गया, वो पूरी टेबल की जरूरत नहीं, तो हमारा समय बचता है शॉर्टकट मेथड। लेकिन ये हर जगह शॉर्टकट नहीं चलेगा,
कुछ खास परिस्थितियां हैं, उसी ढंग से अगर ड्रॉइंग की गई तो ही चलेगा। और वो स्थितियां क्या है, रेगुलर नियमित रूप से निकाला गया, अमाउंट सेम होना चाहिए, और जो एक आरण और दूसरे आरण के बीच का जो अंतर है वो फिक्स होना चाहिए, डिफरेंस हर महीने एक एक महीने से निकाल रहे, ऐसा नहीं होता कभी एक महीने में दो बार निकाल लिया, कभी एक महीने में एक ही बार निकाला, कभी किसी महीने निकाला ही नहीं, ऐसे में नहीं चलेगा ये, हर महीने निकाल रहे तो हर महीने निकालो, हर तीन महीने से निकाल रहे तो हर तीन महीने से निकालो, शुरू में निकाल रहे तो शुरू में निकालो, आखिर में निकाल रहे तो आखिर में निकालो, वो बदलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये शॉर्टकट तरीके से इतनी जल्दी इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे आगे बताया है कि शॉर्टकट तरीके में जो हम पूरी साल भर की ड्रॉइंग के ऊपर जो इतने महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 6.5 आया कैसे, ठीक है समझ में आ गई बात कि भाई साल भर में जितना निकाला है उसको बोलेंगे कुल ड्रॉइंग, और उसके ऊपर रेट लगाओ, जो भी दर दिया हुआ रेट 100, और उसके एक ऊपर आप कितने महीने का बैच लगेगा इसको निकालना हम सीख रहे हैं, ये इतना तो फिक्स है, जो टोटल ड्रॉइंग करेगा रेट लगेगा वो ठीक है, लेकिन कितने महीने का बैच लगाए ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो ड्रॉइंग तिमाही है कि मासिक है, हर महीने निकाला जा रहा है हर माह, तो शुरुआत में कि मध्य में कि अंत में, तिमाही है तो शुरू है कि मध्य है कि एंड है, तो वो जो भी सिचुएशन है, 6 स्थितियां, 6 तरह से मैंने दिया है, ऐसे होने को तो और भी है लेकिन मैंने उतनी जरूरत नहीं जाने की आपको डिटेल, सिर्फ आपको 6 स्थितियां जाना, हर चीज 6 स्थितियों में हर माह के शुरुआत में अंत में और मध्य में, हर 3 महीने के शुरुआत में अंत में मध्य में, तो उसका शॉर्टकट क्या है, मध्य का सबका 6 है, हर महीने हम निकाल रहे हैं 15-16 तारीख को तो उसपे 6 महीने का ब्याज पूरे साल का लगा दो, हर 3 महीने से निकाल रहे हैं मध्य में तो वो निकाल दो 6 महीने, शुरू में निकाल रहे हैं तो आधा महीना जोड़ दो या 1.5 महीना जोड़ दो, अंत में निकाल रहे हैं तो आधा महीना घटा दो या 1.5 महीना घटा दो, बिल्कुल। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगाएंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तभी लगाना है जब डीड के अंदर लिखा हुआ, बिल्कुल। भाई ये कुछ डाउट है इसके अंदर तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये क्लियर नहीं हुआ अभी भी जो चीज मैंने बताई कि क्लियर हो गया, मुझे कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा, और अगर नहीं तो इसको आपने पढ़ना है, एक बार थ्योरी इसकी पढ़िए, आपने इस शीट को पढ़ा नहीं है शायद पूरे टाइम, पढ़ लिया अब समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, समझ में नहीं आ रहा तो क्या मतलब क्या दिक्कत क्या रही, मुझे समझ मतलब मुझे मालूम पड़ा, आ गया सर समझ, आ गया सर आ गया, यस सर 4 क्वेश्चन में आपने 4.5 आंसर आ रहा है सर, ऑप्शन नहीं दिया सर, उसमें ऑप्शन में नहीं दिया वो 4.5 आ रहा है, अच्छा अच्छा वो भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, ये 4th क्वेश्चन सर, हिमांशु एक फर्म में साझेदार है और अपने गत व्यक्तिगत व्यय के लिए वह फर्म से प्रत्येक तिमाही के अंत में, हाँ प्रत्येक तिमाही के अंत में, ये क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहा है, प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालता, गुड 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 सर, उसके नीचे लेकिन आपने आंसर दिया जिसमें इंग्लिश, अब ये एक्चुअली क्या हुआ कि अभी मैंने इसके सॉल्यूशन बनाए नहीं है तो इसलिए गलतियां कहीं हुई हैं तो वो पकड़ में नहीं आई, सॉल्यूशन बनाने में कुछ गलतियां पकड़ में आ जाती हैं और कुछ फिर भी रह जाती हैं तो आप लोग बता देते हो, तो इसमें अभी ज्यादा गलतियां दिख रही है मेरे, अभी तो 4 ही क्वेश्चन देखे आपने, ज्यादा तो नहीं की होगी मैंने बहुत ज्यादा, लेकिन है ना ये 6,000 रुपए हर तिमाही के अंत में निकाल रहे, तो अंत में निकाल रहा है तो इसका आंसर 6.5 महीने 4.5 महीने आया, ये ऑप्शन ही नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन मुझे चेंज करने की जरूरत है, ठीक है मैं चेंज करूंगा इसको, और बोलिए और बताएं आप, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे, तो एक काम करता हूँ, क्या चीज इसे दोबारा से समझा दे, इसको दोबारा समझा, मतलब क्या चीज दोबारा समझा, मतलब अभी ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो कि क्या, मैं समझा नहीं, यस सर एवरेज, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, आओ मैदान में आओ यार, जरा तुम आओ सामने आओ, सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन, कृष्ण बोल रहा है क्या, तुमने बोला क्या कृष्ण, हाँ यस हाँ चलो,
अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग सब करिए उसको, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ सब करेंगे, वो क्वेश्चन तुम भी करना। एक क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। हर तिमाही के हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, हर तीन महीने के शुरुआत में एक साझेदार 3,000 रुपए निकालता है और 12% के हिसाब से अपने को इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करनी है या शॉर्टकट यूज नहीं करनी, प्रोडक्ट मेथड यूज करनी है या फिर अलग अलग ब्याज निकालनी। कृष्ण अलग अलग ब्याज तो निकाल सकते हैं अपन, अलग अलग ब्याज निकालिए या प्रोडक्ट में अलग अलग ब्याज निकालिए। सर हर क्वार्टरली के प्रारंभ में निकाला, प्रारंभ में 3,000 रुपए वो निकालता है और जनवरी से दिसंबर का ईयर ले लीजिए और हर क्वार्टर के प्रारंभ में निकालता है 3,000 रुपए। और आपको अलग अलग ब्याज निकालना है या अलग अलग ब्याज निकालना, बस कोई प्रोडक्ट मेथड नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड, अलग अलग ब्याज निकालो। सबको अलग अलग ब्याज निकालने और सब निकालने, 3,000 रुपए हर क्वार्टर के प्रारंभ में और मैंने जनवरी से दिसंबर माना है अकाउंटिंग ईयर, उसके हिसाब से निकाले। सबको ट्राई करें जरा फटाफट। और किशन तू मुझे व्हाट्सएप करो अपना निकाल के फटाक से, अलग अलग इंटरेस्ट निकालो और व्हाट्सएप करो मेरे को फटाफट, फोटो खींच के भेज तुरंत। अपनी अपनी कॉपी में मोबाइल जो है ना, अब तो अपना चेहरा दिखाने के बजाय अपनी कॉपी दिखा मेरे को। सर सबको दिखाना है? नहीं नहीं, वो क्रिश्चियन को दिखानी है, वो इतना टाइम लग गया है यार, यहाँ से तो आदमी जो है पता नहीं कहाँ दुनिया उलट पुलट हो जाए इतनी देर में। सर हाँ दिखा जरा एक सेकंड में, जरा इसको पिन करके देखता हूँ तूने किया क्या है। ये यार इसमें साफ क्यों नहीं, हाँ अब साफ दिख रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है, 1 जनवरी को निकाला कितना रुपए, 3,000। अच्छा अरे क्या बात है भैया, 3 महीने होते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कृष्ण, तब तो तूने डुबा दी लंका। फिर उसके बाद क्या, 1 जनवरी के बाद क्या लिखा तूने यहाँ पे नीचे दूसरी लाइन में, 1 अप्रैल, ये यहाँ पे जो है 1 अप्रैल लिखा है, फिर उसमें कितने तीन, अच्छा सब पे 3-3 महीने लगे। ओके समझ गया ठीक है कृष्ण, अब आ जा तू मैदान में वापस, अब तू आ जा सामने देख, अब बंद कर दे उसको, अब मेरी बात सुनो। कृष्ण कुमार जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ। यस सर। तो दिख तो रहा नहीं मेरे को, कॉपी बंद, अब तू आ जा मैदान के अंदर। अपन अब थोड़े से नालायक हो गए आजकल, आजकल पढ़ाई कर नहीं रहे अपन। इधर देखो ये इधर स्क्रीन, ये दिख रही तेरे को स्क्रीन? यस सर दिख रही है। अब इस स्क्रीन पे ये मैंने 3-3 महीने का एक एक ब्लॉक बनाया, मतलब ये 3 महीने है, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, बराबर है 3-3 महीने में। अगर पूरे साल को बांटा जाए तो 3-3 महीने में साल को कितनी बार बांटेंगे, 6 बार कि 7 बार? 4 बार। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, 6 7 समझता था, तूने अभी सही से बताया 4 बार। तो अब ये बता कि अगर मैंने यहाँ पर ड्राइंग की है, यहाँ कृष्ण यहाँ 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 3 महीने कि 4 महीने? 12 महीने। 12 महीने तो नालायक, इसके ऊपर यहाँ जो 3,000 रुपए निकलेगा 1 जनवरी को, इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब तू सोच रहा है ये क्या हो गया, अरे ऐसा कब हुआ, ऐसा तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह इसमें महीने नहीं निकालने, इसके अंदर जब भी हम महीना काउंट करेंगे तो साल के अंत तक का काउंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हमेशा अंत तक काउंट करेंगे। बात समझ में आई इतनी पहले बात? यस सर। अब दूसरा तिमाही कब स्टार्ट होगा, 1 जनवरी के बाद दूसरी तिमाही कब आएगी? 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को 3,000 रुपए निकाली, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो जाएंगे कृष्ण? 6 महीने की 3 महीने? 9 महीने।
तू तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है तू तो। मैं मेरे को दिक्कत आ रही है तेरे साथ बात करने में, सोचना पड़ रहा है। अच्छा फिर तीसरी तिमाही कब आएगी? एक जुलाई को। एक जुलाई तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने। 6 महीने फिर चौथी तिमाही कब आएगी? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर तो 1 अक्टूबर से आखिर तक कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने। तो बस तो यही तो करना है यार, यही समझ में नहीं आ रहा था सर मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा है 12+3 क्यों करना है ऐसे। अरे तो छोड़ 12+3, ये तो समझ में आ गया ना तेरे को? यस सर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब 12+3 की बात अलग करते हैं। तो पहले तो तुझे तो जो क्वेश्चन दिया है मैंने, तो वहां तेरी गलती समझ में आई क्या? मैंने तो ये कहा था तेरे को करने को, पहले तो वहां समझ ले। तो 12+3 की बात हम बाद में करेंगे। यस सर, आ गई। हाँ ठीक है, तो 1 जनवरी को निकालेंगे 3,000 रुपए, तो इस पे 12 महीने का। 1 अप्रैल को निकालेंगे 3,000 रुपए, तो इस पे 9 महीने का। 1 जुलाई को भी निकालेंगे 3,000 रुपए, तो इस पे 6 महीने का। फिर 1 अक्टूबर को निकालेंगे 3,000 रुपए, तो इस पे 3 महीने का। यहां तक बात है, अब आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं इसका एक शॉर्टकट तरीका, अब इसको कैसे निकालेंगे? 12% इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, 3,000 के ऊपर, मैंने क्या कहा था वो ऐसे करना था, 3,000 के ऊपर 12% से, चल 12/12 लिख दे या नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ये इंटरेस्ट लगेगा 360 रुपए। फिर मैंने कहा था इस 3,000 पे 12% से 9 महीने का इंटरेस्ट लगा लो 270 रुपए। फिर इस 3,000 पे 12% से 6 महीने का इंटरेस्ट लगा लो 180 रुपए। हाँ 180 रुपए। 180 रुपए ठीक है। और फिर ये 3,000 के ऊपर 12% से 3 महीने का नंबर, और इन सब का टोटल कर दो तो ये 900 आएगा, ऐसा मुझे बताया गया है। यस सर, 900 ही। अभी एक बच्चे ने, किसने कहा था कि सर मेरा 180 आ रहा है, वो चेक करो अपना आंसर ऐसे आ गया, ये मैंने कहा था आपको करने के लिए। सर हमने रेट 6% ली थी। अच्छा ठीक है ठीक है, तो यार उसका 180 सुन के हम डाउट में पड़ गए कि 900 हमारा कैसे आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे इंटरेस्ट आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको जो अपने ने ये किया इंटरेस्ट निकाला है, इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जैसे ये तेरे को यहां जाना है ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़, और यहाँ जाने के लिए इस पहाड़ी पर ऐसे रास्ता, एक यहाँ फिर ऐसे, ऐसे पहाड़ी पर सीधे थोड़ी जाते हैं, लेकिन जो होशियार होते हैं उन्होंने, जो जिनको आदत होती है, होशियार मतलब आदत, वो कहते हैं कि यार यहां से यहां तक, यहां से जाने के लिए यहां तक घूम के आएंगे तो यहां से एक पतली सी पगडंडी से शॉर्टकट ले, फिर वो यहां से यहां तक एक शॉर्टकट ले लेते, फिर वो यहां से यहां तक एक शॉर्टकट ले लेते, वो शॉर्टकट ले लेते, शॉर्टकट में टाइम बचता। तो इसका टाइम बचाने का कोई तरीका है क्या? अपन वो देख रहे हैं। हाँ है। क्या टाइम बचाने का तरीका है कि एक बार हम 12 महीने का लगा रहे हैं, एक बार हम 9 महीने का लगा रहे हैं, एक बार हम 6 महीने का लगा रहे हैं, एक बार हम 3 महीने का लगा रहे हैं, तो क्या हम एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं क्या? औसत अवधि, ये 12 महीने की अवधि है, ये 9 महीने की अवधि है, 6 महीने की अवधि है, 3 महीने की अवधि, तो हम एवरेज अवधि, औसत अवधि ले लें। ठीक है शिल्पी, कोई बात नहीं बेटा, है ना, तो हम एवरेज पीरियड ले लेते, औसत अवधि ले लेते। औसत अवधि में क्या करते हैं, पहली ड्रॉइंग कब की, कितने महीने का इंटरेस्ट, 12 महीने, आखिरी ड्राइंग जब की उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का। तो 12+3 जोड़ो, लिखो लिखो, जब 12+3 लिखो जरा, कृष्ण तुम लिखो अपनी कॉपी में 12+3, और उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आता है ये बता पहले, 12 को 3 पे जोड़ो और 2 से उसको डिवाइड करो, कितना आता है?
साढ़े सात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक हर तिमाही के शुरुआत में इंटरेस्ट निकालते हैं पैसा, तो ऐसा इतना सब करने की बजाय अगर मैं सिर्फ साढ़े सात महीने का इंटरेस्ट लगा दूं तो भी मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। और ये साढ़े सात कैसे आया? साढ़े सात आया, पहले मैं बताता हूँ साढ़े सात कैसे आया। साढ़े सात जो मेरा आया वो आया पहली ड्रॉइंग और आखिरी ड्रॉइंग का एवरेज। पहली ड्रॉइंग कौन सी? ये वाली। पहली ड्रॉइंग कौन सी? ये। इसके कितने महीने? 12 महीने। आखिरी ड्रॉइंग ये, इसके कितने महीने? 3। इनका एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? साल भर में कितने पैसे निकाले कृष्ण पहले टोटल? साल भर में 12,000। तो 12,000 के ऊपर 12% से अगर मैं सिर्फ साढ़े सात महीने का इंटरेस्ट लगाऊं तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है? निकालो जरा क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला लगा ऐसे ऐसे निकालो जरा इंटरेस्ट 12,000 पे 12% से साढ़े सात महीने। ठीक है भाई विजय बाबू, सात सौ अस्सी रुपए फिर से निकाल जरा, फिर से निकाल, फिर से निकाल। 900 रुपए। 900 रुपए सर। अरे क्या यार, 120 रुपए का नुकसान करा दिया तूने मेरा। सही है। तो पहले तुमने 780 कहा था, तो मैं 780 रुपए लेकर आया, अब तुम 900 कह रहे हो। नहीं तो 120 रुपए मैं थोड़ी थोड़ी दूंगा अपनी जेब से, तूने नुकसान करा दिया मैंने। तो ये जो 900 रुपए आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे भी तो 900 आया था ना पहले। यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, या तो एक तरीका ये है कि ऐसे निकालो, दूसरा तरीका है कि अपन ऐसे निकाल दें शॉर्टकट से एवरेज। समझ में बात? यस सर। तो ये शॉर्टकट तरीके के जो महीना निकालते हैं साढ़े सात महीना शुरुआत में, अगर तिमाही के एंड आखिर में निकालेंगे तो ये 4.5 महीना हो जाएगा, हर तिमाही के मध्य में निकालेंगे तो ये 6 महीना हो जाएगा। इसी ढंग से हर महीने के शुरुआत में, हर महीने के अंत में और हर महीने के मध्य में भी होता है। तो मैंने ये बताया था कि अगर हर महीने के शुरुआत में निकालते हैं, तो मैंने अभी टेबल एक बनाई कि ये मंथली महीने का, क्वार्टरली तिमाही से, शुरुआत में, मिडिल में और एंड में। तो ये 6 और ये 6, महीने के बिगनिंग में 6.5, महीने के आखिर में 5.5, क्वार्टर के बिगनिंग में 7.5, क्वार्टर के आखिर में 4.5। तो अभी जो अपन ने निकाला वो ये निकाला था, ये क्योंकि हर तिमाही के शुरुआत में निकाल रहे थे तो ये 7.5 में निकल रहा। तो ऐसे जैसे भी हम निकाल रहे हैं उस हिसाब से हम शॉर्टकट ले सकते हैं। तो ये कैसे निकाला है मैंने 6, 6.5, 7, 7.5, इसका फॉर्मूला दिया है उसके। ठीक है, इसको एक बार करने की कोशिश करना, एक बार पढ़ना, और जो होमवर्क नहीं कर रहे उसको करना चालू कर दो। ठीक है, तो गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। और वो अच्छा, वो तूने पूछ लिया तो तेरे को भी समझ में आ गया कि भैया लाल झंडी दिखा रहा हूं मैं, खतरे की घंटी बजना चालू हो गई है, मतलब पढ़ाई लिखाई चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, और नहीं हुआ तो आप मेरी परसों की जो, जब मैंने ड्रॉइंग IOD स्टार्ट किया था तब की मेरा वीडियो देखना दोबारा से, कल संडे है ना, कल दोबारा देखना। ठीक है कृष्ण, और फिर से उसको करो, फिर अपन, मुझे लग रहा है कि मंडे को हमें दोबारा लेना रहेगा। तो इकोनॉमिक्स की क्लास है आपकी 10:30, तो मैं ये अपनी क्लास एंड करता हूँ, मेरा समय अब समाप्त। ठीक है, दूसरे टीचर का समय अब चालू होने वाला है। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। कृष्ण समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? यस सर। थोड़ा सा करो उसको।